गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। अ कॉमन फीचर ऑफ द न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स इज दैट दे मैनिफेस्ट इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये जो न्यूरोडेवलपमेंटल जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जो आपकी अर्ली स्टेज होती है डेवलपमेंट की, मीन जो आपका चाइल्डहुड है वहाँ पर आपकी ये जो डिसऑर्डर है उसकी पहचान कर ली जा सकती है। ओके, ऑफन द सिम्टम्स अपियर बिफोर द चाइल्ड एंटर्स स्कूल और ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ स्कूलिंग। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं इस डिसऑर्डर के, जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं, जब आपका बच्चा एक छोटा होता है और वो स्कूल में एंटर नहीं होता, उससे पहले ही, उसकी स्कूलिंग स्टेज से पहले ही इसके सिम्टम्स हमें बच्चे के अंदर नज़र आने लगते हैं। These disorders result in hampering personal, social, academic and occupational functioning. इस disorder की वजह से क्या होता है, आपकी जो personal skills हैं उस बच्चे की, या social skills हैं, academic skills हैं, occupational skills हैं, जो भी functioning है वो क्या हो जाती है, disrupt हो जाती है, और वहाँ पर क्या हो जाता है, आपकी problem generate हो जाती है। ना तो वो आपके जो पर्सनल चीज़ों को अच्छे से कर पाता है, जो सोशली इंटरेक्शन नहीं कर पाता वो बंदा किसी के साथ, एकेडमिक उसका जो रिज़ल्ट होता है बहुत पीछे रह जाता है, वो चीज़ों को कवर अप नहीं कर पाता वो बच्चा, और ऑक्यूपेशनल फंक्शनल जो है वो भी उससे सही तरह से परफॉर्म नहीं हो पाते। दीज गेट कैरेक्टराइज्ड एज डेफिसिट्स और एक्सेसेस इन अ पर्टिकुलर बिहेवियर और डिलेज इन अचीविंग अ पर्टिकुलर एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर। और क्या होता है कि ये जो न्यूरो डेवलपमेंटल आपके जो डिसऑर्डर्स होते हैं, इनमें क्या होता है कि या तो किसी चीज़ की उन बच्चों के अंदर होगी डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर उनके अंदर कोई कमी पाई जाएगी, या फिर किसी भी चीज़ की उनके अंदर एक्सेसिवनेस हमें दिखाई देती है, वो चाहे किस बिहेवियर को लेकर चलें हम, ये किसी भी एक्टिविटी को लेकर चलें, तो वहाँ पर एक्सेसिवनेस शो करेंगे और या फिर डेफिशिएंसी हमें वहाँ पर नज़र आएगी। ओके, और ये चीज़ें क्या करती हैं, जो उसकी एज के अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिस एज में होना चाहिए, जिस तरह की चीज़ें उनको अपनी एज के अकॉर्डिंग करनी चाहिए, वो बच्चे नहीं कर पाते। तो जो एज के अकॉर्डिंग है उनका जो बिहेवियर है वो नहीं होता है। अब आपके ये जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, इनमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स आपके आते हैं, अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको ADHD भी माना जाता है, और ये कॉमन है, जो मोस्टली बच्चों में ये प्रॉब्लम पाई जाती है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट ADHD। वॉट इज़ ADHD? द टू मेन फीचर्स ऑफ ADHD आर इन अटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी। चिल्ड्रेन हु आर इन अनअटेंटिव फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सस्टेन मेंटल एफर्ट ड्यूरिंग वर्क और प्ले। ये जो ADHD है, इसमें आपके दो मेन फीचर्स इसमें दिखाई देती है बच्चों में। एक तो होता है इनअटेंशन, वो किसी भी चीज़ पर अपना फोकस नहीं कर पाते, अटेंशन पे नहीं कर पाते, और दूसरा है हाइपर एक्टिविटी। बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं बच्चे, ये जो उनके अंदर मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, और किसी भी एक जगह पर बैठ नहीं पाते, विद इन 2 मिनट्स या 1 मिनट वो वहाँ से हट जाते हैं, उस जगह से जिस जगह वो बैठे होते हैं। इम्पल्सिविटी, इसमें यह होता है कि किसी भी काम को करने की उनमें बहुत ज़्यादा आवेग होता है, किसी भी चीज़ को करने के लिए बिल्कुल ऐसा होता है कि अगर कोई बात उनके माइंड में आ गई तो वो उस काम को बिना सोचे समझे कर डालते हैं। अब ये जो बच्चे इन अटेंटिव होते हैं, जिसको ये ADHD होता है, वो किसी भी वर्क करें या फिर प्लेग्राउंड में अगर वो जाते हैं, तो ना तो वो खेलने में कंसंट्रेशन कर पाते दे पाते हैं, ना ही वर्क के लिए, कोई भी वर्क है, होमवर्क कर रहे हैं या फिर क्लास वर्क है या कुछ भी वर्क कर रहे हैं, कोई भी टास्क आप उनको दे दीजिए, तो वहाँ पर क्या है, बिना अटेंशन के वो उस वर्क को करते हैं, इसलिए वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाते हैं विद इन 2 or 3 मिनट्स। दे हैव अ हार्ड टाइम कीपिंग देयर माइंड्स ऑन एनी वन थिंग और इन फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस।
वो क्या है कि मुश्किल से अपने माइंड को किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर पाते हैं, और कई बार तो क्या होता है कि वो जो इंस्ट्रक्शंस उनको दिए जाते हैं उनको भी फॉलो नहीं करते हैं ऐसे बच्चे। कॉमन कंप्लेंट्स अबाउट आर डेट द चाइल्ड डज नॉट लिसन, कैन नॉट कंसंट्रेट, डज नॉट फॉलो इंस्ट्रक्शंस, एज डिसऑर्गेनाइज्ड, इज डिसऑर्गेनाइज्ड। जो ऐसे बच्चे होते हैं उनकी जो कंप्लेंट्स अगर आती हैं स्कूल से या फिर उनके पेरेंट्स के तरफ से जो आती हैं, तो वही ये होती हैं कि वो बच्चे सुनते नहीं हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, जो इंस्ट्रक्शंस उनको दिए जाते हैं, लाइक क्लास में अगर टीचर बोलेगी कि आपको इस जगह से हिलना नहीं है, ये आपकी सीट है, आपको दूसरी जगह मूव नहीं करना है, तो बच्चे क्या है उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते जो भी टीचर उनको देती है, और वो मूव करने लगते हैं क्लास में। और जो बच्चे ऐसे क्या होते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड भी होते हैं, ओके, डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं ऐसे बच्चे, और ईजिली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और चीज़ों को क्या करते हैं, भूल जाते हैं, और अपना जो असाइनमेंट है उसको भी फिनिश नहीं करते हैं ये लोग, और क्या करते हैं कि अपना जो इंटरेस्ट है इनका, बहुत जल्दी इनका इंटरेस्ट खो जाता है। किसी भी एक्टिविटी में आप इनको इंगेज करिए, चाहे वो आपकी क्लास एक्टिविटी है, कोई भी टीचर एक्टिविटी करा रही है, या फिर आप प्लेग्राउंड में इन बच्चों को ले जाए, तो वहाँ पर भी क्या होता है, इनका जो इंटरेस्ट होता है बहुत जल्दी लॉस्ट हो जाता है, और ये चीज़ों में इंटरेस्ट लेना बंद करके उसको बोरिंग बताने लगते हैं। चिल्ड्रन हु आर इम्पल्सिव सीम अनेबल टू कंट्रोल देयर इमीडिएट रिएक्शन और टू थिंक बिफोर दे एक्ट। और जो बच्चे इम्पल्सिव होते हैं वो क्या करते हैं कि इनका कंट्रोल अपनी एक्शंस पर नहीं होता, जब ये कोई भी काम कर देते हैं उसके बारे में सोचते नहीं है, पहले उस काम को कर डालते हैं, उसका रिजल्ट क्या हो इससे उनको कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसे बच्चों को जो इम्पल्सिव होते हैं, दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वेट और टेक रिटर्न्स, और उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है किसी भी चीज़ के लिए वेट करना, कि वेट करें, वो जो उन्हें करना होता है उसे कर डालते हैं, ओके। डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन मीन्स कि अगर कोई चीज़ है और उनको लग रहा है कि ये चीज़ मिलेगी इस काम को करने के बाद, ये मिलेगा, तो वहाँ पर क्या है कि वो बच्चे वेट नहीं कर पाते, उस चीज़ को किसी भी तरीके से वो हासिल करना है तो हासिल करना ही है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों का क्या होता है कि उनको अपने एक्शंस पर, अपने थॉट्स पर कोई कंट्रोल नहीं होता। अब आता है आपका हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी ऑल्सो टेक्स मैनी फॉर्म्स। चिल्ड्रेन विद ADHD आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, सिटिंग स्टिल थ्रू अ लेसन इज इम्पॉसिबल फॉर देम। क्या होता है कि इन बच्चों के साथ ये कॉन्स्टेंटली क्या होते हैं, मोशन इनका कंटिन्यूसली चलता रहता है, और ये किसी भी अगर कोई चीज़ उनको पढ़ाई जा रही है, कराई जा रही है, तो वहाँ पर इम्पॉसिबल होता है कि वहाँ पर ये बच्चे इजीली बैठकर उस चीज़ को ध्यान से सुने, या जो भी टीचर उनको बता रही है उसको ध्यान से सुने। कई बार तो क्या होता है कि एमलेसली इधर से उधर घूमना स्टार्ट कर देते हैं, किसी भी चीज़ पर क्लाइंब करना स्टार्ट कर देते हैं, कहीं पर भी चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो इन बच्चों के साथ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं ओनली बिकॉज ऑफ देयर हाइपर एक्टिविटी। द नेक्स्ट इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये क्या है आपका, इट इज़ करेक्टराइज बाई वाइड स्प्रेड इम्पेयरमेंट्स इन सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड स्टीरियोटाइप्ड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज़। देखिए, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है वो कहाँ आपका शो होता है, द नेक्स्ट इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई वाइड स्प्रेड इम्पेयरमेंट्स इन सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड स्टीरियोटाइप पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज़। देखिए, ये जो आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ये किन चीज़ों में दिखाई देता है, आपका इम्पेयरमेंट किस चीज़ में दिखाई देता है, आपके सोशल इंटरेक्शन, मीन वो लोग अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, जो सोशल टर्म्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो अपने बिहेवियर को एडेप्ट नहीं कर पाते, और उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी डेवलप नहीं होता, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, ना तो दूसरों की बातों को अच्छे से समझ पाते हैं, ना ही अपनी जो बात है वो दूसरों के सामने क्लियरली रख पाते हैं। सो जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, जो पर्सन इस डिसऑर्डर से आपको दिखाई देते हैं कि हाँ उनके अंदर ये डिसऑर्डर है, तो जो उनका सबसे पहला जो सिम्टम होता है कि कम्युनिकेशन स्किल उनका बहुत पुअर होता है,
ठीक है, और जो सोशल इंटरेक्शन है वो भी पुअर होता है, वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप अच्छे से नहीं रख पाते हैं, और जो सोशल टर्म्स हैं, नॉर्म्स हैं, उनको भी ढंग से फॉलो नहीं कर पाते। और जो स्टीरियोटाइप पैटर्न ऑफ बिहेवियर, जो हमारा जो सोशल नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग ना तो उनका बिहेवियर होता है, ना ही उनके इंटरेस्ट होते हैं, ना ही उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। चिल्ड्रेन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हैव मार्क्ड डिफ़िकल्टीज इन सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन अक्रॉस डिफरेंट कंटेक्स्ट। ये जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं, जो आपके ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं, उन बच्चों के साथ क्या होती है कि वो सोशल इंटरेक्शन नहीं कर सकते और जो कम्युनिकेशन नहीं कर सकते जो डिफरेंट कंटेक्स्ट में उनको करना आना चाहिए। अगर वो फैमिली में हैं तो फैमिली के अकॉर्डिंग उनको बिहेव करना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल उनके फैमिली के अकॉर्डिंग होने चाहिए, या फिर स्कूल में हैं तो उनके जो कम्युनिकेशन है वो टीचर के साथ कैसा होना चाहिए, बट अदर जो उसके क्लासमेट्स हैं उनके साथ कैसा होना चाहिए, वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उनका जो कम्युनिकेशन है वो नहीं होता, वो अनेबल होते हैं इस चीज़ को करने के लिए। और रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ इंटरेस्ट एंड ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर रूटीन। अबाउट 70% ऑफ चिल्ड्रेन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हैव इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। जो उनके इंटरेस्ट ऑफ एरिया होता है उसकी रेंज बहुत कम होती है, और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है, वो एक सेट रूटीन को ही फॉलो करना चाहते हैं, उससे बाहर ना तो कुछ देखना पसंद करते हैं, ना ही किसी बाहर की चीज़ में वो इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो उनकी जो इंटरेस्ट रेंज है वो बहुत कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो एक सेट रूटीन से आगे कुछ देखना पसंद ही नहीं करते। और जो 70% चिल्ड्रन जिनमें ये आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, उनके अंदर क्या होता है, आपके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ होती हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के बारे में आपने पढ़ाई है कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ किन पर्संस के अंदर होती हैं, जिनकी जो आईक्यू लेवल है बहुत कम होता है, तो उनके अंदर ये चीज़ें शो होती हैं आपकी। चिल्ड्रन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक्सपीरियंस प्रोफाउंड डिफ़िकल्टीज़ इन रिलेटिंग टू अदर पीपल। और जो इस तरह के बच्चे होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, रिलेशन नहीं बना पाते किसी भी पर्सन के साथ, वो किसी भी लोगों के साथ वो रिलेट नहीं कर पाते, अपने को जोड़ नहीं पाते। दे आर अनेबल टू इनिशिएट सोशल बिहेवियर एंड सीम अनरिस्पॉन्सिव टू अदर पीपल्स फीलिंग्स। और ना ही जो आपका सोशल बिहेवियर है, किस तरह से उनको सोशल टर्म में अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करना है ये उनको नहीं पता होता है, इसलिए जो सोशल टर्म्स होते हैं वहाँ पर ये बच्चे क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं एक तरह से, क्योंकि वो अनेबल होते हैं जो सोशली हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करने में, और ना ही ये दूसरे लोगों की फीलिंग्स को समझते हैं, क्योंकि एक अपनी अलग ही दुनिया होती है और उससे बाहर ये देखना नहीं चाहते, ना ही इनके मन में कोई ऐसी फीलिंग होती है कि ये बाहर की दुनिया में इंटरेस्ट लें। तो क्या होता है कि ये दूसरे लोगों की फीलिंग भी नहीं समझ सकते, क्योंकि ना ही अपनी फीलिंग दूसरों को समझाना चाहते हैं, ना ही दूसरों की समझना चाहते हैं। दे आर अनेबल टू शेयर एक्सपीरियंसेस और इमोशंस विद अदर्स। और ये अपने इमोशंस और एक्सपीरियंसेस जो भी फील करते हैं अपने अंदर, जो भी चीज़ें आती हैं उनको भी दूसरे लोगों को शेयर नहीं कर पाते। They also show serious abnormalities in communication and language that persist over time. और इनके अंदर जो serious type की आपकी abnormalities दिखाई दे जाती हैं जब हम ऐसे लोगों से बात करते हैं, इनका जो communication level होता है वो बहुत ही low होता है, और जो इनका language है वो उसमें कुछ पता नहीं चलता कि कभी ये कुछ बोल रहे होते हैं, कभी कुछ बोल रहे होते हैं, तो वहाँ पर क्या है, वर्ड्स जो है प्रॉपर वे में ये ना तो प्रोनाउंस कर पाते हैं, ना ही जो सही वर्ड्स हैं, जिस टाइम पर इनको सही वर्ड्स का सिलेक्शन, किन वर्ड्स का करना है ये नहीं कर पाते हैं। मैनी ऑफ देम नेवर डेवलप स्पीच एंड दोज हु डू हैव रिपीटिटिव एंड डेविएंट स्पीच पैटर्न्स। और क्या होता है कि कुछ लोग तो जो हैं कभी उनके अंदर स्पीच जो है डेवलप ही नहीं होती, वो बात ही नहीं कर पाते, और अगर कुछ लोग करते भी हैं तो उनकी जो कम्युनिकेशन पावर होती है उसमें क्या होता है कि आपका रेपिटेशन दिखाई देता है, आपका डेविएंट स्पीच दिखाई देती है, वो बोलते ज़रूर हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते वो क्या कहना चाह रहे हैं।
Such children often show narrow patterns of interest and repetitive behavior such as lining up objects or stereotyped body movements such as rocking. These motor movements may be self-stimulatory such as hand flapping or self-injuries like such as banging their head against the wall. और ये जो बच्चे हैं किसी भी तरह के कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या करते रहते हैं, उस ऑब्जेक्ट से खेलते रहेंगे, उसको घुमाते रहेंगे, कई बार क्या करेंगे कि लाइनिंग अप करते रहेंगे ऑब्जेक्ट्स पर, या फिर कई बार क्या करेंगे हैंड फ्लैपिंग करते हैं, कई बार अपने आप को नुकसान पहुँचा लेते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ ये करने लगते हैं, लाइक जो वॉल है उस पर अपना सिर मारने लगते हैं, तो इनका कुछ पता नहीं चलता कि किस तरह की एक्टिविटीज़ कब करने लगे। Due to the nature of these difficulties in terms of verbal and non-verbal communication, individuals with autism spectrum disorder tend to experience difficulties in starting, maintaining and even understanding relationship. तो हमने देखा कि इनके अंदर वर्बल और नॉन वर्बल सभी तरह का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो डेवलप नहीं होता, और इसी वजह से तो ये जो डिसऑर्डर है, ये लोग जिन लोगों को ये डिसऑर्डर होता है वो लोग क्या हैं, आपकी रिलेशनशिप को नहीं समझ पाते हैं कि रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है उनकी लाइफ में, और इसीलिए वो उसको क्या करते हैं, मेंटेन नहीं कर पाते हैं।